हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB एक्सपीरियंस चैनल को और मैं हूँ विकाश। यहाँ पर देखिए एक फ्लास बल्ब और ये एक वॉल हैंग कोमोड लगा हुआ है और यहाँ पर जो फ्लास बल्ब है इसे खोलने के बाद देखिए क्या होता है। ये लीकेज होता है, पानी गिरता है और इसे बंद करने के बाद ही पानी गिरना बंद होता है। देखिए मैंने पहले खोल के देखा था इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का ठीक करने वाला आया था और उसने देखा और बोला ये गलती से उल्टा लग चुका है, इसलिए इसे खोल के ठीक करना पड़ेगा। मैं पहले इस कोमोड को खोलेंगे। ये जो रेड बोल्ट का बोल्ट है इसे हम निकालेंगे, दोनों साइड का है। कोमोड निकालने का वजह है क्या, जो हम फ्लैश बल्ब को सीधा करेंगे इसलिए हमें टाइल्स काटना पड़ेगा और टाइल्स का जो टुकड़ा है वो गिर कर कोमोड को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम कोमोड को निकालेंगे। देखिए कोमोड का जो बोल्ट है निकल रहा है, जो वॉशर है वो नहीं निकल रहा है और बैक वॉशर है पीछे दोनों उसमें फंस चुका है। तो देखिए निकाला, कोमोड निकल चुका है और अभी इसे बाहर रख करेंगे। और इसका जो फ्लास बल्ब है, एक फ्लास बल्ब का जो ढक्कन है, जो हेड है और फ्लांस है, इसे भी हम निकाल देंगे। काटने के लिए इसे भी निकालना ज़रूरी है और जो स्प्रिंग है एक उसे भी हम निकाल दिया। और कितना काटेंगे वही है मार्किंग है, यहाँ पर काटेंगे हम। जितना काम है उतना ही काटना चाहिए, ज़्यादा नहीं काटनी चाहिए क्योंकि टाइल्स की ज़्यादा डैमेज हो तो रिपेयरिंग में ज़्यादा खर्च हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही हम काटेंगे। और हम काट रहे हो मशीन से और ये हो गया और ये हमारा पार्टनर इसे फ्लैश बल्ब को निकाल रहा है, अच्छी तरह से निकाल रहा है। देखिए कैसे निकाल रहा है, लेकिन सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि पाइप में कोई डैमेज ना आए। ये फ्लैश बल्ब है, यहाँ पर देखिए एक एरो का मार्क दिखाई दे रहा नहीं, अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऊपर की तरह है, ये एरो मार्क ऊपर की तरह है, नीचे नहीं है। एरो मार्क नीचे रहना चाहिए, जो एरो का मार्क है वो नीचे पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरह है। इसका मतलब एक फ्लैश बल्ब उल्टा लग चुका है। और एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी दूर से ही दिखाई देती है कि ये फ्लैश बल्ब उल्टा है, क्योंकि फ्लैश बल्ब का जो FTA है वो नीचे लगता है और जो MTA है वो ऊपरी हिस्से पे लगता है। ये देखिए यहाँ पर MTA कहाँ लगा हुआ है। अभी मेजरमेंट लेके इसे हम काटेंगे, क्योंकि ये जो फ्लैश बल्ब है ये जो पोजीशन में है वहीं पे ही रहना चाहिए, इसलिए हम इसे मेजरमेंट लेंगे और काटेंगे। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लिया और यहाँ से हम काट रहा हूँ और कैसे इसे निकालता हूँ अब देखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, इसे छाटना पड़ेगा, तो हम इसे छाट लिया और यहाँ पर हम काटेंगे। ये काटिंग मेरा हो गया,
अभी इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मुझे एक हीट गन चाहिए। हीट गन से एक काम बनेगा, दूसरा कोई प्रोसेस से एक काम नहीं बनेगा, इसलिए हीट गन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हीट गन है, हम यहाँ पर हीट गन ही इस्तेमाल करेंगे। इसे गर्म करके जो यहाँ पर जो एल्बो है इसे हम डैमेज करेंगे, गर्म करके ये एल्बो को डैमेज करके इसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे निकालते हैं। यहाँ पर हीट गन ही चाहिए, दूसरा कोई प्रोसेस से काम नहीं बनेगा। देखिए अभी ये हिल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से ये हीट हो चुका है, इसलिए ये हिल रहा है। बाहर से अंदर से ठीक तरह हम हीट करेंगे इसे। तो हमारा हीट तो अच्छी तरह से हो गया, थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो हमारा हीट हो गया, अभी इसे हम एक पैना से हम इसे जो पैंट है इसे डैमेज करके निकालेंगे। देखिए हम इस पैना से इसे डैमेज करेंगे, फिर जो अंदर जो पाइप है वॉल के अंदर उस पाइप को हम डैमेज नहीं करेंगे, इस पैंट को डैमेज करेंगे, खराब उस पाइप को नहीं करेंगे, इस पैंट को हम डैमेज करके इसे निकालेंगे। देखिए ये निकल रहा है। देखिए निकल गया, और पाइप भी अच्छी तरह से ठीक है। जो अंदर जो पाइप है एक कपलर है, इसे हम फिट करके रखेंगे, कोई इधर उधर ना हो जाए तो भी ठीक है, तो हम ऐसे रख देंगे। अभी हम ये जो बैंड है ये डैमेज बैंड इसे हम निकालेंगे। तो निकालने के पहले हम इसे थोड़ा सा काट लेंगे, क्योंकि यह से निकालने में आसान होगा, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लेड से थोड़ा सा काट लेंगे। पाइप ने ना जो पाइप है उसमें ना लगे, ऐसे काटना पड़ेगा। अभी हीट करेंगे, देखिए ये हीट गन से हम हीट करेंगे, कितना इजी निकलता है वो भी आप यहाँ पर देखिए। हिट करने के बाद देखिए कैसे निकल रहा है, देखिए कितना इजी निकल गया। देखिए हीट करने के बाद कितना इजी निकल गया, तो हीट गन से, और यहाँ पर कोई डैमेज भी नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए एरो मार्क कहाँ पर है,
ऐसे रहेगा, एरो मार्क यहाँ पर है ऐसे रहेगा, लेकिन वहाँ पर कहाँ पर थे अब तो पहले वीडियो में देखा है ऐसे था, अभी ऐसे रहेगा, तो हम ऐसे इसे क्लिक करेंगे। तो अभी मेजरमेंट लेना पड़ेगा कितना रहेगा नीचे वाला हिस्सा पे। यहाँ पर एक हम एक कपलर लगाएंगे, कपलर यहाँ पर लगाएंगे, इसे थोड़ा सा सफाई कर लिया। और यहाँ पर एक बैंड, ये वाला बैंड लगाएंगे। तो हम मेजरमेंट ले रहा हूँ कितना कम ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ये जो मेजरमेंट यहाँ पर तो ठीक ही है, लेकिन कपलर लगाने के बाद ज़्यादा तो कपलर तो ज़्यादा नहीं घुसेगा कपलर के अंदर, इसलिए हम थोड़ा सा जो प्लस बल्ब का पाइप है थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कैसे। तो पहले हम इस कपलर को यहाँ पर फिट करेंगे, सॉल्वेंट लगा के अच्छी तरह से सॉल्वेंट लगा के हम इस कपलर को वहाँ पर फिट करके फिर मेजरमेंट लेंगे कितना पाइप हमें चाहिए, कितना काटना पड़ेगा, वो मेजरमेंट हम ये कपलर लगाने के बाद लेंगे। हम देखिए कपलर लगा दिया और थोड़ा सा मार के इसे अंदर घुसाया, हमारा कपलर हो गया फिट। देखिए अच्छी तरह से वो अंदर घुस गया। अभी इसे हम ये अंदर का जो कचरा है इसे निकालेंगे, इसलिए ये कपलर को हम सेट किया। अभी मेजरमेंट लेंगे कितना हमें चाहिए। थोड़ा सा काटना पड़ेगा इससे, इतना सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काटना पड़ेगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ज़्यादा करने से दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ पर लूज रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा कट के मेजरमेंट लेके थोड़ा सा कटेंगे। थोड़ा सा सेट कर दिया और अभी इसे सफा करके हम यहाँ पर फिट कर देंगे। देखिए सही मेजरमेंट है। तो ये बैंड भी हम लगाएंगे, एक बैंड, ये वाला एक पाइप का टुकड़ा है, इसके अंदर फिट करके हम प्लस बल्ब को, प्लस बल्ब का सीधा देखेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से सॉल्वेंट लगा होना चाहिए। देखिए हो गया, अभी इसे हम रख के सीधा देखेंगे कि सीधा है क्या नहीं। तो है ये हमारा सीधा हो गया, तो अभी हम यहाँ पर फिट करके भी देखेंगे सीधा है क्या नहीं, यहाँ पर फिट करके भी देखेंगे सीधा है क्या नहीं, सीधा है, करेक्टली सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वॉल आउटसाइड का वॉल है, इसलिए हम जो आउटसाइड में जो पाइप है इसे हम थोड़ा सा बाहर और अभी सॉल्वेंट लगा के नीचे दोनों तरफ, नीचे ऊपर वाला हिस्सा भी सॉल्वेंट लगाना पड़ेगा, नीचे वाला जो कपलर है वहाँ पर भी सॉल्वेंट लगाएंगे, और ये जो पाइप में इस
फ्लैश बल्ब का पाइप इसे भी लगाएंगे और जो बैंड है उस बैंड में भी लगाएंगे। एक साथ दोनों को ही घुसाना चाहिए, एक साथ ही घुसेगा दोनों को। और वो जो बाहर का जो पाइप है, पीछे वाला जो पाइप है आउटसाइड का वॉल में, वहाँ पर बाहर में एक आदमी को जाना पड़ेगा, एक आदमी को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घुसाने के बाद उसे बाहर से मारना पड़ेगा इसमें घुसाने के लिए। देखिए ये हो गया, ये मेरा फ्लैश बल्ब सही तरह से लग चुका है। देखिए अंदर भी देख लीजिए, सही तरह से लग चुका है। ये वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करना, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।